अरे आप लोग, हेलो, हाय, आप सब कैसे हो? तो वैसे आप सब लोग आ ही गए हो, तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सो इस वीडियो में हम कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं, इस वीडियो में थोड़ा सा ऐसे ही गपशप करेंगे, ठीक है? थोड़ी सी टिप्स दूंगा आपको। तो देखो, आप लोग के एग्ज़ाम्स तो बहुत पास आ गए हैं, अब एग्ज़ाम्स तो बस समझ लो बाउंड्री पे ही हैं। मुश्किल से 1 महीना बचा है बस आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, कुछ लोग के लिए तो उससे भी कम, एंड कुछ लोग के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन है। अप्रॉक्स 1 मंथ आप लोग के पास अभी है। सो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग कमेंट्स में लिख के मेरे को बताना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो ज़रूर देखूँगा आप लोग के कमेंट्स। सो इस वीडियो में बेसिकली हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे, कुछ मैं टिप्स दूंगा आपको जो आप लोगों में से कई लोगों के काम आएंगी, एंड आई होप बहुत से लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग एंड तक देखना। तो चलो बात करते हैं अभी। सो पहली चीज़, कई बच्चों की दिक्कत होती है कि वो लोग रटने में अच्छे होते हैं। सो अब ये पॉइंट कई बच्चों को ख़राब लगने वाला है। ख़राब क्यों? क्योंकि मैंने देखा है ऐसे कई बच्चे होते हैं जो रटना प्रेफर करते हैं लर्न करने से, ठीक है? रटना प्रेफर करते हैं समझने से, क्योंकि उनको समझना बहुत मुश्किल लगता है एंड उसको रट लेना ज़्यादा आसान लगता है। तो रट लेना इज़ नॉट द सल्यूशन। किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ रहे हो उसको क्यों? बिकॉज़ आप उसको समझना चाहते हो, इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि आप उसको बस रट लो, कुछ दिन आपको याद रहे, फिर 4 दिन बाद आप फिर उसको भूल जाओ। ऐसे थोड़ी होता है। आप कोई भी चीज़ जब पढ़ते हो तो आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप उसको लर्न करो। लर्न का मतलब याद रखना सिर्फ नहीं होता है, लर्न का मतलब होता है समझ कर उसको याद करना। सो लर्निंग एक समझने का प्रोसेस है, ना कि सिर्फ उस चीज़ को रट लेने का। रटना और लर्न करना दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है? कई टीचर कह देते हैं कि लर्न कर लो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बस रट लो, समझ के याद करो, ज़्यादा वक्त तक याद रहेगा वही चीज़। सो रट्टा मत मारो, समझना बेहतर है। समझोगे कोई चीज़ तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी और आपके काम भी आएगी, है ना? सिर्फ रट लोगे तो 4 दिन बाद पक्का उस चीज़ को भूल जाओगे। सो अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। सो एक चीज़ मैंने देखी है कि कई बच्चे जो होते हैं मेहनत बहुत करते हैं बट उनके मार्क्स नहीं आते। अब यहाँ पे एक बात उठती है दैट यू हैव टू स्टडी स्मार्टली। आपको स्टडीज़ करनी होंगी हार्डवर्क के साथ प्लस स्मार्ट वर्क के साथ। सो हार्डवर्क के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी आपको दिखाना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क का यहाँ पे क्या मतलब है? ट्राई टू गेन मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई टॉपिक है जो कि बहुत बड़ा है और फिर भी वो कम इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। आप पिछले साल के पेपर्स उठा के देख रहे हो कि वहाँ पे से क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं, या आए भी हैं तो 1-2 मार्क्स के आए हैं। और वहीं पे कोई एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल आते ही आता है और वो 5 या 4 मार्क्स का आता है और उसमें आपको पढ़ना भी कम है, तो आपका एट इंस्टेंट आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं कम चीज़ पढ़ के ज़्यादा मार्क्स अगर अटेन कर सकता हूँ तो मुझे पहले वो कम वाली चीज़ पढ़नी चाहिए, है ना? ताकि वो छोटा सा पार्ट पढ़ के, उस टॉपिक को पढ़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सको एग्ज़ाम में। और रही बात दूसरे टॉपिक की, तो उसको आप बाद में पढ़ सकते हो। तो ये स्मार्ट स्टडी की आपको आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब स्मार्ट स्टडी कैसे होती है? देखो, सबसे पहली चीज़, आप कोई भी जो एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि आप अगर 10th क्लास में हो तो आप बोर्ड का एग्ज़ाम अगर दे रहे हो, 11th या 12th में हो तब भी आप अगर बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो कॉलेज में हो और वहाँ पे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, सो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको बेसिकली उस एग्ज़ाम में ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस है एंड उस एग्ज़ाम में पूछा कैसे जाता है या क्या क्या पूछा जाता है। सो जैसे क्लास 10th की बात करते हैं, सबसे पहले क्लास 10th में जितने भी आपके बोर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बोर्ड के जो पेपर्स पिछले साल के आए हुए होते हैं, उनके क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं वो? इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं बिकॉज बोर्ड्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर साल आपका पेपर पैटर्न अप्रॉक्स सेम ही आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पैटर्न आपका चेंज किया जाता है, बट वो आपको बता दिया जाता है पहले से, बट मोस्टली हर साल आपका पेपर का पैटर्न सेम रहता है। एंड पेपर्स को देख के आप ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो दैट किस चैप्टर में कौन सा वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे टॉपिक से। इसी चीज़ को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करना। पहले आप समझो तो कि किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो, हर कोई चैप्टर जो होगा उसमें 5, 6 या मैक्सिमम 8 टॉपिक्स से ज़्यादा नहीं होंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि 8 के 8 टॉपिक्स पूछे ही जाते हैं, सारे टॉपिक्स आते हैं। उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दूसरे टॉपिक्स के मुकाबले। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करने हैं कम से कम मेहनत करके, तो आपको पहले वो टॉपिक्स उठाने पड़ेंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स को कवर करो, उनको ख़त्म करो, फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप उन टॉपिक्स को कवर करो जो कि कम इंपॉर्टेंट हैं,
है ना। तो इस तरीके से की जाती है स्मार्ट स्टडी। आप अगर स्मार्टली स्टडी करोगे, चूज़ करोगे, देखोगे क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्या क्या एग्ज़ाम का सिलेबस है, किस तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, 10 ईयर्स लगा लोगे अच्छे से, तब आप उम्मीद कर सकते हो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप प्लानिंग के साथ जाओ, सिर्फ हार्डवर्क से बात नहीं बनती है, हार्डवर्क आपको करना है अलॉन्ग विद स्मार्ट वर्क। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। सो अब अगली चीज़ आती है कि आपने समझ तो लिया, आपने हर चीज़ को समझ लिया, लेकिन उस चीज़ को लंबे समय तक याद कैसे रखें। तो इसमें कई लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो देखो, याद करने का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को आपको ना, जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ को दिमाग के अंदर आपको बहुत गहराई तक उतारना है। अगर आप सिर्फ रट रहे हो तो वो सिर्फ दिमाग के टॉप लेयर में है, वो 2 दिन बाद चला जाएगा, गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। सो अगर कोई चीज़ आपको दिमाग में एकदम सेव करनी है हमेशा के लिए समझ के, तो आप क्या करो, आप ना चीज़ों को लिख के याद करने की कोशिश करो हमेशा। जब भी आप चीज़ों को लर्न करने बैठो, उनको कोशिश करो लिख लिख के याद करो। कहते नहीं है टीचर्स लिख लिख के याद करो, वो मजाक की बात नहीं है। ऐसा देखा गया है कि अगर आप सिर्फ ऐसे ही लर्न कर रहे हो, आपने ऊपर ऊपर से लर्न कर लिया है, सो वो चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन तक याद रख पाओगे, फिर आप उस चीज़ को भूल जाओगे। बट अगर कोई चीज़ आपने अपने वर्ड्स में कॉपी पे लिख ली है, जैसे मान लो कोई डेफिनेशन ही है, आपने एक बार उसको पढ़ा, उसको समझा, और एक बार अपने वर्ड्स में उसको लिखने की कोशिश की, एंड यही काम आपने एक दो बार और कर लिया, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। एंड उसके बाद अपने ही नोट्स को आप एक बार फिर से रिवाइज़ कर लोगे, एक बार फिर से उस डेफिनेशन को पढ़ लोगे, तो आपको वही चीज़ और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी, या हो सकता है वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। तो हमेशा कोशिश करो चीज़ों को लिख के याद करो। अब कई लोग कहते हैं सर कोर्स बहुत ज़्यादा है, कैसे लिखें? तो देखो, एक दिन का काम नहीं होता, ठीक है, अपने नोट्स बनाना। आपको शुरू से ही सीरियस होना पड़ता है पढ़ाई में। अगर शुरू से सीरियस नहीं हो, तो एक कहावत नहीं होती है कि जब जागो तब सवेरा। तो मान लो अभी जाग गए हो, सो अगर जाग गए हो तो सबसे पहली चीज़ तो अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करो। जो कॉपी से पढ़ने की आदत है उसको बदलो, सिर्फ कॉपी से नोट्स से पढ़ने की आदत छोड़ दो, बुक से पढ़ने की आदत डालो, एंड बुक से खुद के नोट्स बनाओ। आप लोग को एक बात पता है कि खुद के नोट्स से बेटर किसी और के नोट्स नहीं होते। टीचर आपको चाहे जितने अच्छे नोट्स दे दे, हो सकता है वो गोल्डन नोट्स हों, लेकिन वो आपके हो सकता है किसी काम के ना हो, क्योंकि आपको समझ में ही ना आए उन्होंने लिखा क्या है। तो देखो, नोट्स जो होते हैं वो सबसे बेस्ट अपने खुद के होते हैं। आप खुद से आदत डालो कि बुक से कैसे चैप्टर को पढ़ के उसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाल के उनके नोट्स हम कैसे बनाएं खुद से। आपके जो खुद के नोट्स होंगे ना, वो आपको आसानी से याद भी होंगे, और क्योंकि आपने एक बार उन चीज़ को लिख लिया है एक बार, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगे, क्योंकि आपने मेहनत करके उस चीज़ को पहले समझा है, फिर अपनी कॉपी पे उस चीज़ को लिखा है, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह लिख लिख के हमेशा हर चीज़ को याद करो, एंड नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करो। देखो, नोट्स बनाने का एक और फ़ायदा भी होता है कि जैसे मान लो आपने 2-3 महीना या 4 महीना, 6 महीना या साल भर तक आपने जो पढ़ा है, अगर आपने उस चीज़ के नोट्स बना के रखे हैं अच्छे से, एक कॉपी एक सब्जेक्ट की बना ली अलग से, एंड उसके हर चैप्टर के अपने नोट्स बना के रखे हैं, तो लास्ट टाइम पे क्या होता है, लास्ट टाइम पे जब आपका एग्ज़ाम पास आता है तो आपको टेंशन होता है, अरे यार बुक तो बहुत मोटी है, कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। तो आपके पास नोट्स हैं, सो आपके पास खुद के नोट्स हैं, तो आप उनको पढ़ोगे तो आपको कैसे नहीं आएगा। और जब आप अपने नोट्स खुद के बनाए हुए देखोगे ना, तो आपको मोटिवेशन फील होगा कि हाँ ये तो मैंने ही बनाया, ये तो मुझे याद ही हो जाएंगे। तो ऐसे होता है अपने नोट्स बनाने से, ठीक है। और अगर लास्ट टाइम है आपके पास, आप अगर थोड़ा देर से जागे हो, तो तब भी आप यही काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत लेट हो गया है, बस हाँ आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि आप सारा सिलेबस कंप्लीट ना कर पाओ, लेकिन जितना भी सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे अभी, वो कम से कम आपको लंबे समय तक याद तो रहेगा, और फिर भी जितना भी आप कवर कर पाओगे उतना आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको मेहनत बस ज़्यादा करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको दिन में 8-8 घंटे पढ़ना पड़े, है ना। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कहते नहीं है कि जैसे मान लो आपको माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, तो एवरेस्ट आपको पता है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, तो अगर आपको उसकी चढ़ाई करनी होती है तो वो चढ़ाई एक दिन में नहीं हो जाती है, थोड़ा थोड़ा करके आपको एवरेस्ट को धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है। एक दिन आप थोड़ा ऊपर जाओगे, फिर वहाँ जाके आराम करते हो, फिर उसके बाद अगले दिन थोड़ा और ऊपर जाओगे, अगले दिन थोड़ा और ऊपर, ऐसे करते करते कई दिन लगते हैं, तब जाके आप एवरेस्ट के टॉप तक पहुँचते हो। तो एक छलांग मार के हम डायरेक्ट एवरेस्ट की टॉप पे नहीं पहुंच सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लंबे समय तक करनी पड़ेगी, और जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेबस कवर होगा, आप जाके उस चीज़ को याद कर पाओगे, समझ पाओगे, याद भी नहीं सिर्फ, उस चीज़ को समझ पाओगे, और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। सो पढ़ाई इज़ मेहनत, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वरना फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या है, कि नहीं।
तो बहुत हो गई मोटिवेशन की बातें, आई होप आप लोग को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने का एक देखो यही तरीका है, मेहनत करो। मेहनत सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप 10 ईयर्स से पढ़ो, जिस भी एग्ज़ाम्स की बात करें, क्लास 11th की बात खैर अलग है बिकॉज़ वहाँ पे इसी साल से बोर्ड स्टार्ट हुआ है, बोर्ड से पेपर आना। बट अगर 10th एंड 12th की बात करें तो 10th एंड 12th में तो आपके पास 10 ईयर्स है, आप उनके क्वेश्चंस देखो, उनको सॉल्व करो। एक बार 10 ईयर्स हो जाए तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनको प्रैक्टिस करो। एंड अगर इस तरह आप शुरुआत करोगे आखिरी टाइम में अगर आप कर रहे हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स अभी भी आ सकते हैं। सो जो लोग स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं उनको तो ऑल द बेस्ट, उनकी तो मेहनत रंग लाएगी ही लाएगी। और जो थोड़ा देर से जागे हैं, अब जागते जागते बहुत देर नहीं कर देना। सो आपको एक कहावत बताई थी ना, जब जागो तभी सवेरा, तो उसके साथ साथ एक और भी कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, बट अगर शाम को आ जाए रात को नहीं। अगर आप जागते जागते एग्ज़ाम से थोड़ा और दिन लगा दोगे तो फिर और दिन आपके पास कम बचेंगे। अभी भी 1 महीना है, बहुत नहीं है, लेकिन इतना है कि आप अच्छे मार्क्स तक ला सकते हो अभी से मेहनत करना स्टार्ट करके। सो एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड करते हैं। मुझे पता है कि आप सभी लोग मेहनत कर रहे हो अभी, और मुझे पता है कि आप सबकी मेहनत रंग लाएगी एग्ज़ाम में। जितनी भी आप लोग मेहनत कर रहे हो वो सारी मेहनत देखना एग्ज़ाम में रंग लाएगी। तो आई होप ये वीडियो से कहीं ना कहीं आपको कुछ हेल्प मिला होगा। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कर देना, एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।